करना है कि 10 मिनट के बाद हम यहां से काफला शुरू करेंगे। बरास्ता बाईपास केएफसी तक हम जाएंगे, वहां से टर्न करके हमने 90 नाइनल में आना है। 90 नाइनल में तो अब मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप गाड़ियों में बैठेंगे और आगे ये साउंड वाली गाड़ी होगी, उसके बाद साथ मेरी गाड़ी होगी और तमाम भाइयों ने साथ रहना है। जो यहाँ पे तशरीफ किसी ने पूरा हमें टाइम देना है, मोटरसाइकिल वाले तमाम अहबाब आगे शुरू करें, शुरू करें। हिदायत के मुताबिक, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इस मुल्क में जो एक गुंडागर्द हुकूमत इस टाइम मुसल्लत है, उस हुकूमत को ये पावर कराना है कि पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में इलेक्शन कराया जाए ताकि यहाँ पे आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आ सके, जो इस टाइम मुल्क मसलों में फंस चुका है उसको निकालने के लिए इमरान खान की पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस गाज का उसका यह मिशन है।
इसलिए आज ये इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली है। ये पूरे मुल्क में इनका करवाए जा रहे हैं। हर हलका वाइज पार्टी की हिदायत है कि हर हलका में अच्छी रैलियाँ निकाली जाएँ ताकि आवाम मोबिलाइजेशन भी हो और एक पैगाम भी गुंडागर्द हुकूमत को पहुँचे। आज का मकसद ये है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा मोहब्बत करते हैं कबीर से। बड़ी मेहरबानी। वसलाम। आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो गुरु जिनका नाम लिया गया या नहीं ले सके उन तमाम दोस्तों का हम तहे दिल पार्टी के सामने मलिक साहब का मनसिजत देते उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और नरेंद्र की तमाम लीडरशिप क्यादत मोटरसाइकिल वाले अहबाब आगे तशरीफ ले आए, लाइनों के अंदर गाड़ियां लगा लें और उस रैली का बकायदा तौर पर आगाज किया जाए। हम तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि 198 की तमाम लीडरशिप तहे दिल से मलिक साहब जलाल की जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वेलकम। हम शुक्रिया अदा कर रहे थे और साथ साथ ये हिदायत भी फरमा रहे हैं कि इस रैली का बकायदा जो आगाज किया जा रहा है हम ठीक है। मोहम्मद अमीर खान नंबरदार साहब, गुलाम फरीद साहब 103 9L, इसी तरह आजम खान साहब तहसील जनरल सेक्रेटरी 134 9L। हमारे मौजूद मेहमान भल्लत अकरम बकु साहब उनको भी दिल की आकाम बनाने से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आन हमारी जान इमरान खान भल्लत फैसल जलाल जी इंशाल्लाह तआला आपके लिए पाकिस्तान के हित के इंसाफ से मानव खिलाड़ी सही बात से पाकिस्तान की निखरी आवाज के लिए पाकिस्तान के हरीके साफ मैदान में है। ये जो कीमत में महंगाई है जालमाना महंगाई के खिलाफ जो आप कहीं कर रहे हैं किसी के खिलाफ हुकूमत बलन बंद है। मास्टर सजना जी ठकू साहब आते जनाब महाराष्ट्र साहब ये जैसे गाड़ी रोकेंगे। ये शामिल से शेख महबूब अलम साहब
हमेशा शाना बिशाना रहते हैं मलिक साहब के। बन चुके हैं खान शहबाज खान दफ्तार मलिका से जल्दी महबूब आलम साहब और जितने भी दोस्त अहबाब हैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शालीमार शरीर से गुजरता हुआ ये काफिला है फैसल जलाल दीन भक्कू साहब कह रहे हैं तुझे कह रहे हो तो प्रवाह लक्ष्य ना प्रवाह क्यों नहीं है
बदमाशी चलेगी, जारी बदमाशी खत्म हो गई है। यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह दफन करेंगे। पंजाब के इलेक्शन को आप फिर पूरे बताएं कि आवाम किसके साथ खड़ी है। उल्लू के पत्थर कौन ऐसे और जितने भी जो दोस्त हैं जो दर्शक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। मैं विशाल का लोगों का बहुत पुराने कारकुन है, मुझे भी याद है कभी मैं आज 15 बंदे यहाँ पर लेकर खड़े होते जाइए तो विशाल का लोग भी साथ खड़े होते थे। हम अपने गुजारिश करते हैं कि वो जितने दोस्त हवाब आए अपने खिताब खोल के लोगों को गरमाए और बिना तखिर में सच्चा जलाल चक्कू साहब के हवाले माइक करने जा रहे हैं। 135A9L मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मोहब्बत की, हमें इस्तकबाल किया, हमें हार दिए और फूल फेंके। अल्लाह ताला आपका हमने नसर होगा। मैं आज यहाँ पर एक मुख्तसर से बात करता जा रहा हूँ कि अब मैं समझता हूँ आवाम भी देख लें और हमारे मुखालफीन भी देख लें कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, जिस वजह से हमारे मुखालिफों की नींदें उड़ गई हैं। तो बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस इलेक्शन कराए मुल्क उतार मुहिम में सारे साथी भरपूर हिस्सा लें ताकि ऊपर के हवालों से ये पता चले कि पाकिस्तान के हर हल्का के हर हयू पाकिस्तान का पासी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और तरीके इंसाफ की हुकूमत आए। तो बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, मेरे साथ मेरे हल्का के तमाम मौजूदीन का जो आई है, मैं उनका दिल की खाक रही से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं जिनसे उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। बहुत मेहरबानी आप काफिले को हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान। बहुत मनोरंजक तरीके से अपनी रैली का दोबारा से हम आगाज करते हैं। जितने भी दोस्तों ने मेरे साथ का इस्तकबाल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार शाहनवाज खान मुर्दाना साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार अहमद खान मुर्दाना साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तनवीर खान मुर्दाना साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम कर आपके जीरो लाइन में हथियार साहब करते हैं। तो मलिक साहब, आप हमें दिन बनाए रात बनाए, हम आपके साथ खाना बसाना खड़े हैं। आप इन सामने लुटेरा दिक्कतों के सामने डट के खड़े हो गए। हम क्या दिल से मशहूर हूँ और ये बताना चाहता हूँ आप तमाम एहलान को, आप उठे और जागे, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान का हमें साथ देना है और इमरान खान के इस काफिले को पड़ा करना है। अल्लाह के फजल से इस मुल्क की आवाम ने अब ये फैसला कर लिया है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह इमरान खान का होगा और इमरान खान को हमें वोट देने हैं। उसके लिए इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ रैली का इनकार किया जा रहा है। आप तमाम दोस्तों का मैं मशहूर हूँ कि आप मेरे साथ तशरीफ फरमा है। तो बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ के जो दोस्त यार छोटा साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता और सरदार शाहनवाज मुर्दाना साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार अशरफ खान मुर्दाना साहब, लगे होते हैं और उनको अच्छा भी नहीं पूरा मिलता है। सरदार क्या होगा
हत्या करेंगे। आतंक साथ खुद होने वाला है। मेरे से जवाब उनसे पूछता है इमरान खान को इन 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 आप लोग समझो आप हमेशा जो आप दूसरी जमातों को दौर देते रहे हैं इस तरह आप सच नहीं मतलब समझ चुके हो जान चुके हो। मेरे दोस्तों भाइयों मजदूरों मेरे साथ सुझाव नहीं सकती आपका यार है आपका शत्रु है आपका ज्ञान है इससे आपको इस व्यक्ति में वोट कराना है। अपने बुजुर्ग बाप मलिक जफर जुंजुआ साहब मलिक इंताफ हुसैन जुंजुआ साहब सबक हमारे चेयरमैन और मलिक समर जुंजुआ साहब और मलिक हैदर जुंजुआ साहब अपने भाइयों का दिल से ममनूनों मशहूर हूँ जो हमेशा मेरी हर कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज में मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी अदा फरमाएगा और 135 माइनर से दीगर आए हुए मलिक अजहर साहब उनके बेटे मलिक तालिब साहब और तमाम मुजहिन और जो तमाम मेरे दोस्त मलिक जुंजुआ साहबान इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक समर साहब अपनी सबक चार लगे साढ़े ना आ रहा है क्यों ना रहो इधर आओ लेकिन बहुत शुक्रिया मलिक अल्ताफ जुंजुआ साहब का और उनकी पूरी टीम का उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मलिक साहब की कॉल पर लगभग करते हुए इलेक्शन करवाओ मलिक बचाओ रैली के अंदर शिरकत की मलिक हैदर जुंजुआ और उनको और कितने भी साथ उनके दोस्त आदाब शिरकत के लिए मलिक साहब का जिन्होंने मसरूफियत के बावजूद मलिक साहब की तौर पर लबैक करते हुए इस रैली के अंदर शिरकत को किरदार का लिहाज अदा करते हैं और खासतौर पर हमारे इटावा की लीडरशिप सरदार शाहनवाज मुर्दाना साहब हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और सरदार अफजल खान मुर्दाना साहब साहब जितने भी दोस्त आदाब सरदार अहमद भाई मुर्दाना साहब सरदार परवेज खान मुर्दाना साहब हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मलिक साहब की दौर पर लगता करते हुए इलेक्शन करवा दोस्त अहबाब मलिक साहब का वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया का अदा करते हैं। 5899 की तमाम गयूर आवाम का जिन्होंने मशरूफियत के बावजूद मलिक साहब की कॉल पर लबैक करते हुए 5899 की गयूर आवाम मलिक साहब का लबैक करते हुए खास तौर पर पीर जमाल शाह साहब तो मुर्तजा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं दोनों ने भी इस रैली के अंदर शिरकत की हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन करवा मलिक बचाओ रैली के अंदर जितने बुजुर्ग इस रैली की क्यादत फरमा रहे हैं अंदर अपने तमाम कर लीडरशिप का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन करवाओ मलिक बचाओ रैली के अंदर जितने भी दोस्तों ने शिरकत की और तमाम दोस्तों का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी दोस्त आदाब अपनी पूरी पूरी टीमें लेकर इस रैली के अंदर शिरकत की उन तमाम दोस्तों
यूनिवर्सिटी में आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको फर्ज पढ़ने के लिए जाने लगे इस आवाम के अंदर इंशाल्लाह और आवाम जा चुकी है, तैयार हो चुकी है, तमाम तरह आप जानते हैं कि बस पढ़ने के अंदर जो फैसले किए एक नजरिए से इनकी हकूमत नहीं है और फिर आप इस चीज पर भी फैसले तैयार करेंगे। हम पाकिस्तान के हम इस तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जो दोस्त गाड़ियों पर आए, मोटरसाइकिलों पर आए, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने मनीषा की तौर पर मतदान करते हैं। चौधरी मोहम्मद शबाब किची साहब और मुन्ने खान साहब मुश्ताक अहमद को लुट आज हमारे काफिले का रास्ते का थोड़ा सा गलती लगी है जिसकी वजह से गुजरना इधर से था, लेकिन वो हमें आज चौक में फिर जैसे लोग होते हैं समझ नहीं आई, आगे निकल गए। बहरहाल आप सब लोगों की मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है, आपकी इस मोहब्बत का मैं तय दिल से मशहूर हूँ, बहुत मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूँगा ऐसे ही हम सारे इकट्ठे चले चले और चौक में जाकर वहाँ पर और मेरे दीगर तमाम आतिफ साहब और बच्चों का बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि इन जालिम हुक्मरानों ने माँ कौन की माँ को कौन की बेटी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस माँ को उस बेटी को जिसके बारे में हमारे पास पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था। मैं आपका नाम मोहम्मद लतीफ साहब इनको फोकस पर्सन लेते गई उन्होंने इस्तकबालिया कैंप गया तो बताया हुआ मगर कैसे का शानदार इस्तकबाल कर रहे थे, उनका इतिहास चौधरी से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अपने समाज का लीडरशिप का तहे दिल से सभी अज्ञात गुजारिश है कि बड़ा इसे छोड़ पीछे हो जाए, मतलब कैसे साहब आगे भी जाना है तो प्लीज जैसे इस तरह से खाली कर देता कि बात समझाई जा सके, इस रैली का इंतजाम बताया जा सके, इस रैली की वजह बताई जा सके, इस रैली का काम बताया जा सके, पीटीआई करना कैसा चीज है। लगतार मार ये लगतार सिद्धार शानवाल मरदाना साहब शायद मनोज साहब उनका भी तहे दिल से सिद्धार तनवीर खान साहब
उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मलिक साहब की गौर पर नमस्कार करते हुए इलेक्शन करवाओ मलिक बचाओ रैली के अंदर शिरकत की। हम इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और नौजवानों गुजारिश करते हैं मलिक साहब को कि मलिक साहब आप सबसे गुजारिश ये है कि तिलावत कुरान पाक के लिए मैं हाफिज उमर साहब को दावत दूंगा। ये एक 25 साल का नौजवान नहीं प्यारा, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है लेकिन खामोशी के साथ घर घर बैठे गली गली बैठे दरवाजे दरवाजे पर ये महफिल लगाई जाती है कि नॉन लीग जाति कर रही है कि ये बंदा जाति कर रहा है। पेट्रोल क्यों बढ़ाया, गैस क्यों बढ़ाया, बिजली क्यों बढ़ाई, ये बढ़ती रहेगी और ये होता रहेगा जब तक आवाम खामोश रहेगी। अब कैसर साहब बाहर आए, चौरियासर साहब साहिबा से बाहर आए, इमरान खान की क्रोध से बाहर आए, क्यों बाहर आए? हम अपना हक सही से जान सके। 342 वजीरों को जेल में डाला गया, चाइना की बात कर रहा हूं, हमसे बात में बना पहले है, हम कर्जा मांगने जाते हैं, हम हाथ उनके सामने फिराते हैं। ये कयूर कौन की बात कर रहा हूं, छोटे कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए आज ये रिक्वेस्ट आपको गप्पू साहब, मार औरंगजेब नक साहब, शेख महमूद साहब, मलिक उस्ताद अंजुम साहब, शाहिद रजब रोज साहब और तमाम दोस्तों असलम मर्दाना साहब का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरा सरपथ से प्रम किया यहाँ पर तशरीफ लाकर। और रैली जो है हम अपने कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक निकाल रहे हैं हर जिला में, हर तहसील में, हर शहर में, हर गाँव में। तो मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मलिक फैसल साहब हमारे सरपरस्त हैं सही राग के। तो अवाम को हम यही उजागर करना चाह रहे हैं, इस रैली का मकसद है कि जो महंगाई, ये लोग आए थे महंगाई खत्म करने के लिए, लेकिन अफसोस उन लोगों ने महंगाई तो खत्म नहीं की, अवाम को मार दिया। अवाम में लाने के बाद आज तक के आप हालात देख लें कि इन्होंने महंगाई की शक्ल में इस मुल्क का भट्टा ही बिठा के रख दिया है। इस टाइम कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर, कोई काश्तकार या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये उस चक्की में आ गए हैं महंगाई की कि अब वो अगर कोई एक अपने बच्चे की शादी करना चाहता है तो अपनी जायदाद बेचेगा, कोई बंदा अगर उसको अपना कुछ ना कुछ बेचकर गुजारना गुजारा करना पड़ रहा है। तो खुदारा मैं 99 आपके साथ आपको ये गुजारिश करूंगा कि इस दफा इमरान खान को यहाँ से जितवाएं, बल्ले को यहाँ से जितवाएं, या मेरे साथ कौमी असम्बली के लिए चौधरी आसिफ अली उम्मीदवार हैं। आज क्योंकि हमने हर उम्मीदवार ने तहरीके इंसाफ जिला साहिबाल 99 PP 199 वस्सलाम। आपको बताना चलूं इसकी इंतजामिया का नाम राणा लतीफ साहब जिनकी क्यादत में ये इंतजाम हुआ, और वो याद रखिएगा एक साहिबाल में लेबर लीग के नाम से एक तंजीम है जो लेबर लीग के मसला को हल करती है। अगर किसी भी दोस्त को किसी भी परेशानी में वो मुफरा है फैक्ट्री या वर्कर या मजदूरी के लेवल से, तो वो राणा साहब से रास्ता करके अपने मसाइल को इंशाल्लाह हल की तकनीक तक पहुंचा सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के बयानों को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इमरान खान है तो अब तक